तो फ्रेंड्स सीन्स कुछ ऐसा है कि पहले मैं सोचा था कि 200 NS का चेंज पॉकेट इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि मैं देखा नहीं था। बजाज बहुत ही चालाक है, एक्चुअली हर कंपनी चालाक होता है कि दूसरा कोई चेंज पॉकेट इसमें फिटिंग नहीं होगा जिसका जो अपग्रेड वर्सन का चेंज पॉकेट, क्योंकि उसमें रियर पॉकेट का जो होल है वो डिफरेंट था। ठीक है, जो भी है सीन्स कुछ ऐसा है कि इसका चेंज पॉकेट वॉकेट चेंज करूँगा। अभी वीडियो पूरा देख लीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक करके जाना, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो ज़रूर लेके जाना। ठीक है, तो ये रोलर का चेंज पॉकेट है जो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। आई थिंक इंडिया में रोलर नंबर वन है चेंज पॉकेट्स में से, एंड डायमंड भी है। ये सब चेंज पॉकेट कॉमर्शियल भी यूज़ होता है फैक्ट्रीज में, एंड बाइक कार ऑटोमोबाइल में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये रोलर बेस्ट है 500 किलोमीटर्स में। मैं फोटोज़ वगैरह डाल दूंगा लास्ट में, देख लेना। तो 500 किलोमीटर्स में एक्चुअली आपको चेन लूप करना है, अगर ज़्यादा गंदा है तो क्लीन करके लूप करने से। इसके अंदर ओरिंग्स रहता है तो ओरिंग्स डैमेज नहीं होगा। इस चेन पॉकेट में साउंड कम आएगा क्योंकि इसके अंदर ओरिंग्स है, तो ओरिंग्स अगर रहेगा तो नॉइज़ वगैरह जो वाइब्रेशन वगैरह जो फ्रिक्शंस वगैरह जो मेटा मतलब जो भी कुछ रहता है स्ट्रेसेस वगैरह वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज भी है, जब भी गंदा होता है ओरिंग मतलब ड्राई होके कट जाने की चांसेस रहता है, तो इसीलिए ओरिंग को लुब्रिकेट करके रखना है आपको। तो चलिए काम शुरू करता हूँ, ऐसे ही अंधेरा हो जाएगा बहुत ही जल्दी। फास्ट फॉरवर्डिंग में मैं बहुत सारा क्लिप्स दिखा दूंगा, लास्ट में एक बड़ा स्पीच दूंगा, उसको ज़रूर सुन लेना। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिए, देख लीजिए। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, 10-15 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। अगर आपके पास NS 160 या फिर 200 है या फिर कोई भी बाइक का चेंज पॉकेट अगर आप चेंज कर रहे हो तो थोड़ा सा देख लीजिए। ओके, इसको खोलूंगा। तो फ्रेंड्स सीन्स कुछ ऐसा है, पहले इसमें दो बोल्ट रहता है, 8 का स्पैनर से हो जाएगा। मेरा ये जुगाड़ी है, इसमें मैं 10 का एलन बोल्ट को वेल्डिंग करके ऐसे टी बनाया हूँ। आप सॉकेट रेंच 8 का सॉकेट रेंच से खोल सकते हो इजीली। ठीक है, वो ख़रीद लेना। मैं तो जुगाड़ी पे ही, दुनिया चलता है, इंडिया भी चलता है, तो मैं जुगाड़ी को ही यूज़ करता हूँ, ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्डिंग करके मत देखना क्योंकि मैं बोलता बहुत तेज हूँ, मतलब बहुत हाई स्पीड में। ठीक है, तो समझ में नहीं आएगा हिंदी, ऐसे ही हम लोग बंगाली है तो हिंदी बोलने में हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा क्योंकि फ्लुएंसी लेवल उतना सही नहीं होता, तो हो जाएगा टाइम के साथ साथ। आई थिंक आई एम स्टिल इम्प्रूविंग। तो ये दोनों बोल्ट को आप खोल देंगे तो ये निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है, इसको खोल देते हैं। तो इसको निकाल दीजिए, देखिए अंदर भयंकर कचरा है, भयंकर, कुछ नहीं बोलूँगा। क्या क्या मटेरियल मिला है पता नहीं। देखिए ये गोल हो चुका है। ठीक है, आपको जो भी काम करना है गाड़ी को फर्स्ट गियर में देके, नहीं तो ये घूमता रहेगा तो हाथ फंस जाएगा, उंगली बचा के। भाई साहब ग्लव्स यूज़ कर सकते हो, मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि मैं डेली ये सब लेके ही काम करता हूँ। ठीक है, देखिए 5 का एलन की से ये सब खोलना है, उससे पहले डीजल वीजल मार दीजिए तो फिर सही रहेगा। तो ये डीजल है तो इसको मार देते हैं क्योंकि पीछे बहुत गंदा है, वो धीरे धीरे करके गिर जाएगा। ओके, देखिए 4 का एलन की है। ठीक है, इसको ऐसे लगा के आपको घुमाना है, थोड़ा टाइट रहता है तो आपको कोई ना कोई एक्सटेंशन यूज़ करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स खुल चुका है, दोनों को लूज़ कर दीजिए पहले बार, उसके बाद खोल दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, ये लूज़ हो चुका है एंड दोनों को हाथ से खोल दीजिए। बहुत ही टाइट रहता है, ये स्लिप हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से खुलना, इसीलिए मैं बोला डीजल या फिर WD-40 कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये लूज़ हो गया, इसको बाद में खोलेंगे, पीछे आइए पहले चेन को खोल लेते हैं। क्लच दो, वीडियो रिकॉर्डिंग को। तो फ्रेंड्स इधर एक लॉक रहता है, ठीक है, उसको आपको खोलना पड़ेगा तो चेन निकल जाएगा। तो ये है वो लॉक, देखिए इसका कलर भी अलग है, येलो कलर में है। इसमें डीजल मार देता हूँ तो फिर जो भी डस्ट वगैरह है वो निकल जाएगा। ओके, तो इसको खोलना है, कैसे खोलते हैं मैं दिखा देता हूँ। आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी खोल सकते हो, लेकिन मेरे पास प्लायर है तो कोई भी प्लायर से हो जाएगा मेरे पास। देखिए ऐसे जो ओपन साइड है उसको ऐसे पकड़ेंगे पिन के सहारे, सपोर्ट देके तो निकल जाएगा।
ओके देखिए हो गया है लगभग, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। पीछे का सपोर्ट से भी आप खोल सकते हो, जैसे इधर लगाइए और इसको डालिए, ठीक है। ये निकल गया, ये निकल गया तो पूरा चेन ही खुल जाएगा इजीली। देखिए फिर भी डस्ट है इसीलिए थोड़ा सा टाइट निकल रहा है। देखिए ये जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए चेन जिस साइड में घूमता है, ओके चेन ऐसे घूमता है तो ये क्लोज साइड इधर लगेगा एंड ओपन साइड इधर लगेगा। इसको उल्टा लगाएंगे तो खुल सकता है कभी भी, ठीक है। इसको ऐसे लगाना है गाड़ी में, न्यू चेन में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप घर पर कर रहे हो या अभी कहीं पर कर रहे हो तो चेक कर लेना है, ठीक है। ऐसे लगेगा ये, मतलब चेन जिस तरफ घूम रहा है उस साइड में क्लोज साइड रहेगा। ओके फ्रेंड्स अभी हल्का हल्का ठोकेंगे एंड ये निकल जाएगा धीरे धीरे। ये प्लायर से आप खींच के भी इजीली कर सकते हो। ये जो लिंक प्लेट्स है ना ये इजीली निकल जाता है, थोड़ा डस्ट है इसीलिए जैम हो रहा है, ठीक है। देखिए मैं जो ओरिंग के बारे में बोला था वो ओरिंग ये है, ये अगर बैठ जाएगा कट जाएगा तो चेन से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है एंड चेन का लेंथ भी चेंज हो जाता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको सही रखने के लिए ही लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। देखिए इसको खोलने के लिए आप स्क्रू ड्राइवर से भी मार सकते हो, एक बार स्क्रू ड्राइवर लगाइए एंड अगर टाइट है तो स्क्रूड्राइवर लगा के मारने से निकल जाएगा। ये साइड है स्लैक साइड सबसे ज़्यादा, इसमें इजीली निकलना चाहिए, ठीक है। देखिए निकल गया, टाइट साइड में था इसलिए नहीं निकल रहा था, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, अभी क्लच पकड़ के रखो भाई, तो अभी हल्का हल्का घुमाएंगे एंड चेन वापस आना चाहिए, मतलब पूरा ओपन होना चाहिए। इसको निकाल लेते हैं एंड अभी क्लच पकड़ के रखिए एंड खींचिए, पूरा चेन आ जाएगा बाहर। ओके हो गया है काम। अभी पीछे का ये सब बोल्ट वोल्ट मेन जो टाई रॉड का है वो बोल्ट खोल के मैं ये इसको निकालूंगा, ठीक है। इस पॉकेट को खोलना है, ठीक है। ये 20-22 और 18-19 का रिंग्स पहनना चाहिए आपको ये खोलने के लिए, ठीक है। इसको लगाइए 18-19 को एंड इस साइड में 20-22 लगा के आपको घुमाना है, एक साइड पकड़ के बंद इसको खोल दीजिए, इजीली खुल जाता है। एंड ये जो रॉड है मेन बोल्ट या फिर रॉड बोल सकते हो टाई रॉड, इसको खोल लेना है। ये वाशर सबको संभाल के रखना पड़ेगा। टाई रॉड या फिर बीच में जो रहता है व्हील में वो रॉड में खोल दिया हूँ या फिर बोल्ट बोल सकते हो। इसको खोलने के बाद देखिए इस साइड में आओ, नहीं छोड़ छोड़। तो इसको खोलने के बाद ये जो चीज़ है ये ईजीली निकल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप व्हील को भी निकाल सकते हो साइड कर, हवा खुलता हुआ। देखिए बुश को भी संभाल के रखना है, ठीक है। गंदा हुआ है, मैं बाद में धो के लगा दूँगा, हवा खुलता हुआ। फ्रेंड्स देखिए तो गाड़ी को अलाइन करके मैं इसको खोल लिया हूँ, अब इस पॉकेट चेंज करके डायरेक्टली इसको इधर लगा दूंगा, ठीक है। तो जो बुशेस है उसको संभाल के रखना है। फ्रेंड्स इसको पहले डीजल से धो देना है, ठीक है। इसको पूरा साफ करना है उसके बाद चेंज करेंगे। तो डीजल में मार दिया हूँ, बंद हो। तो फ्रेंड्स इसको फ्लैट करना है, ये एक्चुअली बोल्ट लॉक है, नट लॉक है, नट घूम ना जाए इसीलिए इसको मतलब रहता है, इसको सीधा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद 16-17 का रिंग्स पहनने से आपको ये चारों नट को लूज़ कर लेना है, ठीक है। इसको ऐसे पकड़िए एंड उसके बाद इसको ऐसे खोलना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है, अपने साइन में मैं खोल दिया था पहले ही, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको खोलने के लिए आप इसको पकड़िए या फिर इसके ऊपर पैर दीजिए, ओके। बाद में अगर आप खोल रहे हो तो इसको लगा के आपको थोड़ा पाइप से या तो हथौड़ी से मार के लूज़ करना है, ठीक है। नहीं तो नहीं होगा, बहुत ही हार्ड टाइट रहता है। और नहीं तो पहले ही खोल दीजिए
गाड़ी में जब फर्स्ट गियर में डाल के, ठीक है, चेन खोलने से पहले मैं साइन में एक प्रोसेस दिखाया था, इसमें भी एक दिखा दिया। बाकी तो ये हाथ में ही खुल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो चारों नट खुल गया है एंड ये नट लॉकर है, नट लॉक को लगाना होगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, इसको खोल देता हूँ। ये सबको डीजल से साफ करके लगाना है। देखिए अभी हल्का ठोकने, देखिए ये है वो चीज़, इसमें नया स्पॉकेट बैठेगा। ठीक है, ये है पुराना स्पॉकेट जो शार्प हो चुका है, अभी थोड़ा और चलाता तो ये टूटने शुरू हो जाता। ठीक है, इसको डीजल से साफ़ करेंगे, इसको लगाना है साफ करके। ठीक है, लगभग साफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको भी लगाना है आपको ऐसे करके, लॉक्स पहले लगा दीजिए, इसको अच्छी तरह से बैठा दीजिए, फिर आप नाट लगाइए हाथ में। डीजल मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे क्या होता है इजीली नट लग जाएगा। ठीक है, तो इसको हाथ में टाइट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स ये हो चुका है। ठीक है, अभी इसको फुल टाइट मैं लगा के ही मारूंगा, उसके बाद इसको मोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब पूरा हो गया है स्पॉकेट, एंड स्पॉकेट का जो 45 टीथ्स लिखा हुआ है वो फ्रंट में होगा। ठीक है, देख सकते हो आप। चलिए अभी फ्रंट ड्राइवर स्पॉकेट को लगाता हूँ, ये वाला। तो ये है पुराना वाला जिसको मैं खोल देता हूँ। एंड इसको भी खोलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इन दोनों को खोलने के बाद देखिए ये है स्पॉकेट लॉकर। ठीक है, इसको आपको स्लॉट को घुमा के इक्वल मैच करवा के फिर खींचना है स्पॉकेट को इसके साथ। देखिए निकल गया। ठीक है, ये घुस के ऐसे घूम जाता है। ठीक है, इससे लॉक हो जाता है एंड पीछे एक बूस्ट दिया रहता है, अब देख सकते हो पीछे दिया हुआ है, उसको साफ कर लेना पड़ेगा। तो पूरा क्लीन करूँगा डीजल से। ठीक है, बस बंद कर, इसको इसमें लगाना है। ठीक है, इसको बराबर साफ करके लगाना है आपको। तो ये कपलिंग का रबर को भी चेक कर लेना, ये ख़राब है तो 150-150 रुपया दाम होता है, चेंज कर लेना, नहीं तो मेटल टू मेटल घिस जाएगा, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है न्यू वन, ये है ओल्ड वन, देखिए हालत क्या हुआ है। ठीक है, दोनों सेम है, स्पॉकेट टीथ नंबर भी सेम है। देखिए आप क्या हालत हो गया है, कितना डाउन हो चुका है देखिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि पल्सर एनएस का चेन स्पॉकेट अभी तक नहीं लगा है, कल से मैं लगाने की कोशिश कर रहा था, नहीं हुआ, क्योंकि देखिए ये जो स्पॉकेट है अभी नया स्पॉकेट मैं बहुत मुश्किल से जुगाड़ करके लेके आया हूँ, ये डाया सेम है। ठीक है, तो जो एस ऑब्लिक मतलब 160 NS का था उसमें उसका जो डाया था वो कम था। ठीक है, जो ड्राइवर स्पॉकेट था उसका डाया कम था। एंड जब आप ख़रीदेंगे तो ये चेक कर लेना कि NS160 ट्विन डिस्क रहेगा। ठीक है, तब जाके ये जो फ्रंट स्पॉकेट है उसका डाया सेम रहेगा। इसी चक्कर में मेरा कल ये जो गाड़ी था NS ये खोल के रखा हुआ था, आज अभी फिटिंग हो जाएगा। ठीक है, फिटिंग बहुत ही ईजी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन कल प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो अभी तो बजाज का पार्ट्स मिलना बहुत मुश्किल है, मैं लगभग 10 से 15 दुकान ढूंढा, उसके बाद जाके मेरे को मिला, रोलर का ही मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बेस्ट चेन स्पॉकेट है, लगा देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए पूरा वीडियो। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है न्यू स्पॉकेट, अब देख सकते हो एंड इसमें फिट हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे डालते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ और क्लोज से, तो देख लीजिए पूरा, जस्ट इसको इसके अंदर डालना है। ठीक है, देखिए अभी इजीली घुस गया है, पहले तो घुस नहीं रहा था, अभी इसका जो लॉक वॉक है वो सब लगाना है, बाकी फुल टाइट होगा आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये है वो लॉक। ओके, तो इसको इसके अंदर डालना है, डाल के घुमा देना है,
एंड ये बोल्ट को आपको हाथ में लगाना है। ओके दोनों को लगाना है इक्वली, देन आपको टाइट करना है। तो ये काम करते हुए आपको फर्स्ट गियर देके ही रखना है। फर्स्ट गियर दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये घूमेगा नहीं। सकते हो दोनों स्पॉकेट लग चुका है, ठीक है। तो दोनों स्पॉकेट को फुल टाइट मारना है, तो इसको भी मारना है, इसको बाद में मारूंगा चेन लगाने के बाद, अभी खाली चेन को लगाना है, ठीक है। तो चेन को लगाना बहुत ही इजी है, खाली ये जो चेन के अंदर देखिए ये जो है पूरा लंबा चेन, ठीक है, इसके अंदर ये जो लिंक है ये वाला, तो ये शायद आप देख पा रहे हो, तो इसको खोल के आपको लगाना है चेन। देखिए फ्रेंड्स, ये है चेन का सबसे ज़्यादा स्लैक साइड, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चेन मतलब कनेक्ट करना इजी है, इधर टेंशन बहुत ही कम रहता है। अभी एक लिंक ज्वाइंट करूँगा जो लॉक लिंक है, उसको ज्वाइन करने से हो जाएगा। दोनों साइड में ओरिंग है या नहीं देख लेना, क्योंकि वो खुल के गिर जाएगा तो फिर से वो प्रॉब्लम आएगा, साउंड मतलब आएगा। तो फ्रेंड्स अभी कुछ नहीं करना है, खाली ओरिंग है कि नहीं चेक करके आपको एक पिन लगाना है, एंड दूसरा इजीली लग जाता है, देखिए लग गया इजीली। एंड फाइनली इसको भी डाल देना है इसके अंदर। देखिए फ्रेंड्स, जो फाइनल लॉक है इसको लगाने इधर लगाना है। कैसे लगाना है इसको, आपको ऐसे लगाना है, जो ओपन साइड है वो इधर रहेगा एंड जो क्लोज साइड है वो इधर रहेगा। मैं अपना दूसरा वीडियो में भी बोला था, तो ऐसे ही आपको लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद आप प्रेस कर देंगे प्लेयर से या फिर किसी से भी, स्क्रूड्राइवर से भी ठोक देंगे तो चला जाएगा। स्क्रूड्राइवर इधर लगा के ठोकना है, वो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये जो पोजीशन है अकेला करना स्क्रूड्राइवर लगा के थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसीलिए मैं हमेशा जो यूज़ करता हूँ एक बॉक्स प्लायर है बेस्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, जस्ट मैं वीडियो रिकॉर्डिंग बंद किया एंड एक मिनट के अंदर इजीली फिट हो गया, ठीक है, 30 सेकंड के अंदर बोलूँगा। तो ये लॉक को आपको ऐसे ही लगाना है, ओपन वाला इस साइड रहेगा, क्लोज वाला इस साइड रहेगा। ओके अभी चेन फिटिंग हो गया है कम्प्लीट। अभी ये जो मेन बोल्ट है एडजस्टिंग बोल्ट है, ये चेन का स्लैक को एडजस्ट करके इसको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, करके हो जाएगा तो काम कम्प्लीट हो जाएगा। फाइनली फ्रेंड्स काम हो गया है कम्प्लीट। देखिए न्यू चेन स्प्रॉकेट लग चुका है एंड अभी मैं रखा हूँ, थोड़ा चलने दे रहा हूँ क्योंकि इंजन ऑयल भी नया था, उसके बाद गाड़ी को चलाएंगे एंड पूरा फोल्ड फुल बोल्ट वोल्ट जितना भी कुछ था मैं टाइट कर लिया हूँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिकल बाई जॉर्ज को फॉर मोर अपडेट्स। लीव योर लाइफ, लीव योर ड्रीम। चेन स्प्रॉकेट लगाने के बाद हर बोल्ट को चेक कर लेना, जो जो लॉस किए थे वो टाइट है या नहीं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।